हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मारुति की जो गाड़ियां हैं अर्टिका, सियाज, ब्रेजा, इन सब में आप सिक्योरिटी सिस्टम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो डोर लॉक और अनलॉक पे जो आवाज आती है उसको भी बंद कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो ये गाड़ी में दो बटन दे रखे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये राइट वाला बटन है, इसको आपको प्रेस करके रखना है 2-3 सेकंड तक, जब तक ये डोर ना आ जाए। इसके बाद आपको इसको राइट मूव करना है, राइट और लेफ्ट ऐसे मूव कर सकते हैं आप। ये डोर लाइट और सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी आने के बाद आप इसको प्रेस कीजिए एक बार। S1, S2, S3 पे जाना है पहले आपको। तो इसमें एक तो S3 है और एक S4 है। S3 जो है वो प्री वार्निंग सेंसर है, जिससे एक बार गाड़ी आवाज़ करेगी, वो दिखाता हूँ आपको। पहले एक्टिवेट करते हैं इसको, इसको प्रेस करना है इसको। ये 15 तक होता है, जितना भी आपको करना हो इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं। ये सक्सेस दिखा रहा है, इसको प्रेस करके रखना है, इसके बाद सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद बैक जाना है अपने को, बैक, और ये एंड पे क्लिक करना है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसा काम करता है ये। बाहर चलते हैं, इंजन को ऑफ कर देते हैं अभी। अभी गाड़ी को लॉक कर देता हूँ मैं। तो अभी ये प्री वार्निंग अलार्म एक्टिवेट हो चुका है। अभी यदि इसको कोई छेड़ेगा तो कुछ ऐसा साउंड करेगा ये 2-3 सेकंड के लिए। तो ये प्री वार्निंग अलार्म है। अभी आपको मैं फुल ब्लास्ट वाला करके दिखाता हूँ। फुल ब्लास्ट एक्टिवेट करने के लिए आपको S4 में जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको प्रेस करना है पहले, इसके बाद डोर राइट मूव करेंगे, इसके बाद सिक्योरिटी, ये S2, S3 और ये S4 में जाना है। यहाँ पे जब आप S4 में जाएंगे तो यहाँ पे 15 तक दिया गया है। यहाँ पे आपको जितना जितना ज़्यादा सेंसर आपको एक्टिवेट करना आप उतने तक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको 15 पर सेट कर देता हूँ। अभी ये सक्सेस हो चुका है। अभी अभी फिर से बैक जाना है, इसके बाद इसको एंड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अभी बाहर चलते हैं। तो अभी मैं इसको फिर से लॉक कर रहा हूँ। तो अभी फुल ब्लास्ट में क्या होगा, पहले 3-4 सेकंड, जैसे कोई आपकी गाड़ी को टच करेगा या फिर कुछ नुकसान करेगा तो आपकी गाड़ी का पहले 3-4 सेकंड तक ये इंडिकेटर जलेंगे पहले। उसके बाद अलार्म जोर जोर से बजने लगेगा, ऐसे कि अभी कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है पूरी तरह से। के बाद आपकी गाड़ी को यदि किसी ने छेड़ा है तो आपको पता चल जाएगा जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे। तो ऐसा 3-4 बार साउंड आएगा, और जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ सायरन सा बजेगा छोटा सा, ये ऐसा। तो इसको डीएक्टिवेट करना है तो फिर से वही करना है, पहले लॉन्ग प्रेस, उसके बाद ये डोर सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे S4 पे जाना है, और ये 00 लिखा हुआ है, L00, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सक्सेस हो गया। वाला सायरन है वो बंद हो गया है। अभी सिर्फ S3 काम करेगा, जो प्री वार्निंग सेंसर होता है सिर्फ वो काम करेगा। इसको भी यदि आपको डीएक्टिवेट करना है तो इसको ऐसे ही करना है। ये L00 पे आपको सक्सेस करना है यहाँ से। तो अभी दोनों सेंसर मैंने बंद कर दिए, पर आपको प्री वार्निंग सेंसर आपको ऑन रखना चाहिए हमेशा। तो अभी बैक करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। ये मेन मेन्यू है, लॉन्ग प्रेस किया इसको, ये हम गए सिक्योरिटी में S3, और अभी इसको एक्टिवेट कर लेना है यहाँ से। 15 पे सेलेक्ट करता हूँ इसको,
तो ये मैंने प्री वार्निंग सेंसर फिर से एक्टिवेट कर दिया है, और अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो तो जो टिक टिक की आवाज आती है आप वो भी बंद कर सकते हैं। यहाँ से फिर से प्रेस करना है, डोर पे जाना है, इसको प्रेस करना है, यहाँ पे जो D5 है इसको दबाना है। D5SL1 का मतलब कि सायरन बजेगा टिक टिक वाला, और S2 का मतलब है सायरन नहीं बजेगा। आपको यदि सायरन बंद करना है वो टिक टिक की आवाज, तो यहाँ से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सक्सेस हो गया है, अभी जब गाड़ी को लॉक करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। और यदि आपको इसको डीएक्टिवेट करना है, फिर से आपको आवाज चाहिए टिक टिक वाली, तो आप फिर से कर सकते हैं, यहाँ से डोर में जाके D5 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद SL1 पे प्रेस करना है आपको। ये सक्सेस हो गया है, अब फिर से पहले जैसी आवाज आने लगेगी। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, जो अपन नाइट में ड्राइव करते हैं तो जो मीटर की लाइट है ये आंखों में गिरती है, तो इसको यहाँ से ही लेफ्ट में मूव करके कम कर सकते हैं अपन। अब यदि इसको लेफ्ट में मूव करेंगे तो धीरे धीरे लाइट कम हो जाएगी, और यहाँ से राइट में मूव करके आप बढ़ा सकते हैं इसको। ये सब चीजें आप मारुति का जो मैनुअल दिया होता है उसमें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी लिखा होता है सब कैसे एक्टिवेट करना है सिक्योरिटी सिस्टम को, कैसे डोर्स की अपने को सेटिंग करनी होती है। इस तरह आप अपनी गाड़ी में सेंसर एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि कोई भी आपकी गाड़ी को टच करे, उसको छेड़े तो आपको पता चल जाए। और यदि आपने सेंसर एक्टिवेट नहीं कर रखा तो चाहे इसको कितना ही पत्थर मार ले कुछ काम नहीं करेगा सायरन, तो आपको एक्टिवेट कर लेना है पहले। सो ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।